हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं खोया पनीर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। मेरा नाम है ललिता और आप देख रहे हैं 7 स्टार किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। खोया पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं, इसे हमने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। 1 बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है। 1 हरी मिर्ची ले ली है, मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार बढ़ा सकते हैं। 4 से 5 हमने यहाँ पे लहसुन ले लिए हैं और 1 इंच हमने अदरक ले लिया है। इन सबको हमने बड़ा बड़ा कट कर लिया है और अब हम इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें पेस्ट बना लेना है। ये प्योरी हमने तैयार कर लिया है, इसे हमने एक कटोरी में रख लिया है, इसे अभी साइड रख देंगे। 1 कढ़ाई में हमने 4 चम्मच तेल ले लिया है। तेल को हमने गर्म कर लिया है, फ्लेम को अभी हमने मीडियम पे रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें खाली 20 से 30 सेकंड ही पकाना है, हल्का सा बस ये क्रैकल होने लगेगा। ये देखिए जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो ग्रेवी बनाकर रखी थी उसे हम तेल में डालेंगे। फ्लेम को आप एकदम लो रखें या तो बंद कर दें। तेल में जब हम ग्रेवी को डालेंगे तो फ्लेम को या तो आप बंद कर लें या तो फिर एकदम लो रखें, क्योंकि जो इसमें पानी होता है वो थोड़ा सा बाहर को छिटकेगा। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, मैं वापस से इसको चालू कर रही हूँ। और अब हम इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ग्रेवी तेल ना छोड़ दे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। हमारी जो ग्रेवी है इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना कि आप तीखा खाते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ये तीखी थोड़ी कम होती है। लगभग 3/4 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर। फ्लेम को अभी एकदम लो रखना है। 1/2 चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं जीरे का पाउडर। मसाले हमने सारे डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 2 चम्मच इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आप लो या मीडियम पे रखें। ये ग्रेवी में 1 मिनट बाद ही पानी थोड़ा कम हो गया था, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी और डाला है। अभी देखिए ग्रेवी कुछ इस तरीके की दिख रही है। अभी हम इसे 1 मिनट और फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने अभी मीडियम रखा है। हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे खोया। ये मैंने 100 ग्राम खोया लिया है, ये लगभग 1/2 कप है। खोए को हम मसाले में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 15 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्लेम को हम लो और मीडियम रखेंगे। ये देखिए लगभग 2 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये एक लंप जैसा ना बनने लगे, यानी कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। आप इसे हिलाते ज़रूर रहें, नहीं तो ये जल सकता है। ये देखिए 15 मिनट पकाने के बाद ये काफ़ी लंप जैसा हो गया है और ये पैन बहुत ही आसानी से छोड़ रहा है और इसमें काफ़ी तेल भी निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें 1.5 कप पानी हम डाल रहे हैं। इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी में। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डाला है। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। खोए में जितना भी तेल था वो सब अलग हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे इस तरीके से कट कर लिया है। लगभग 1/3 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। इसको हमें इस तरीके से रगड़कर इसमें डालना है। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस सब्जी को 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से और पका लेंगे। खोया पनीर बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, इसे देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। इसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर में हम इसे थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। सो एवरीवन, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें।